नारेबाजी करते हुए ये सभी लोग धनगढ़ समाज के लोग हैं, जो धनगढ़ समाज का सर्टिफिकेट न बनने के चलते अपनी मांगों को लेकर जिला प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। बुधवार को सैकड़ों की संख्या में धनगढ़ समाज के लोग मथुरा तहसील कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने धनगढ़ समाज का सर्टिफिकेट न बनने के चलते मथुरा जिला प्रशासन के खिलाफ जमकर नारे लगाए। जी, क्या नाम है? जेपी धनगर, राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय धनगर महासभा। जी धनगर, जो सर्टिफिकेट को लेके आज जो आपने ग्राम ग्राम जाकर जनसंपर्क किया है, तो कहाँ कहाँ किया है, क्या हुए? देखिए, हमने अभी 18/11/2022 को हमने ये कहा था, डीएम साहब को ज्ञापन दिया था कि अगर हमारे 15 दिन में धनगर अनुसूचित जाति के जाति प्रमाण पत्र नहीं बनाए तो 16 दिसंबर से आगरा का संपूर्ण धनगर समाज धरना स्थल पर प्रातः 10 बजे से धरना प्रदर्शन करेगा। अगर कोई भी घटना घटित होती है तो उसका जिम्मेदार शासन प्रशासन होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 15 शासनादेश जारी कर दिए गए हैं। अपर जिलाधिकारी प्रशासन द्वारा भी 21 अक्टूबर 2020 को जिले के समस्त तहसीलदारों को धनगर अनुसूचित जाति के जाति प्रमाण पत्र बनाने का आदेश कर दिए गए। आदेश में यह भी लिखा है कि धनगर जाति गडरिया की उपजाति है और जो पाल बघेल है वो उसके सरनेम और टाइटल है। इसके बाद भी अभी 24 नवंबर को भी अपर जिलाधिकारी प्रशासन ने समस्त तहसीलदारों को बुलाया था कि भाई आप सर्टिफिकेट बनाइए, लेकिन एक अपनी हर धर्मता कहिए या अज्ञानता कहिए, तहसीलदार सदन श्री नीरज शर्मा द्वारा उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री कौन होता है, डीएम कौन होता है, मैं दोनों के आदेश नहीं मानता, मैं अपने विवेक से काम करूंगा और मुझे मुख्यमंत्री सस्पेंड कर दे, डीएम मेरे खिलाफ विभागीय कार्रवाई कर दे, पर मैं धनगरों के सर्टिफिकेट नहीं बनाऊंगा। मैंने पूछा क्यों नहीं बनाओगे, तो मुझे कुछ ऐसा पता चला कि ये बीएसपी को टच करता है, ब्राह्मण है या नहीं है मैं उस जाति पर नहीं जाता, लेकिन इसका कहीं ना कहीं बीएसपी से अटैच है, तो ये जानबूझकर मुख्यमंत्री और डीएम के आदेश का पालन नहीं कर रहा है। हम आपके चैनल के माध्यम से पूरा जेपी नगर ने पूरा समाज यहाँ के जिलाधिकारी और मुख्यमंत्री से मांग करता है कि ऐसे दुष्ट तहसीलदार को तुरंत निलंबित किया जाए, अगर निलंबित नहीं किया गया तो भाजपा को भी बहुत बड़ा नुकसान होगा और यहाँ भी कर तो गांधीवादी तरीके से आंदोलन कर रहे हैं लेकिन कभी भी समाज भड़क सकता है। मेरा निवेदन यही है कि ऐसे तहसीलदार को, नीरज शर्मा को तुरंत निलंबित किया जाए और धनगर अनुसूचित जाति के जाति प्रमाण पत्र बनाई जाए।